अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब के। आप सबका ढेर सारा खुशामदीद एक नए व्लॉग में। आज मैं आप लोगों के साथ, ये रैंडम सा व्लॉग है और मैं इतने दिनों से कोई व्लॉग भी शेयर नहीं कर रही क्योंकि मुझे कोई बनाने ही नहीं देता। कोई क्या, मेरा दिल ही बहुत ही डम हुआ हुआ है। इतना मैं जिल्ली आप कह सकते हैं हो गई हूँ कि मेरा कोई व्लॉग कोई वीडियो बनाने को दिल ही नहीं करता। तो बस ये वाला क्लिप जो है बिल्कुल रैंडम सा है, इसमें मैंने सिर्फ एक ही चीज़ आपके साथ शेयर करनी है और वो ये है यम्मी जो शिमला मिर्च के पकौड़े। एक्चुअली मेरे पास शिमला मिर्च आ गई थी थोड़ी ज़्यादा, तो मैं समझ में नहीं आ रहा था उसका कैसे यूज़ करूँ, कहाँ पर यूज़ करूँ। मैंने YouTube पे भी इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ देखी थी लेकिन मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज थी कि पता नहीं ये जो शिमला मिर्च के पकोड़े बनाने के बाद कैसा इसका टेस्ट आने वाला है। बहरहाल मैंने अल्लाह का नाम लेकर जब बनाए, और करना कुछ भी नहीं है, सिंपल आपको बस शिमला मिर्च को कटिंग कर लेना और प्याज को राउंड शेप में करके कट और सारे मसाले डाल के बस बेसन डाल के, तो पेस्ट जैसे आम पकौड़ों का बनाते हैं, और थोड़ा थोड़ा डाल के आपको फ्राई कर लेना है। और इतने यम्मी यम्मी टेस्ट था, ओ माई गॉड, इवन के मानी को भी इतना पसंद आया, इतना ज़्यादा वो कहें तुमने ये क्या बनाया। मैंने कहा देख आपकी बेगम के हाथ में जादू है। अच्छा जी, तो रमज़ान चल रहा है और माशाल्लाह माशाल्लाह से ये सहरी के पहले का टाइम है और इतना खूबसूरत टाइम होता है कि हम आजकल रूटीन ही ऐसे ही सहरी करके सो रहे हैं। मैं तो मानी तो ऐसे ही सो रहे हैं, और आप लोग बताइए आप लोग सहरी से पहले सोते हो या नहीं। मुझे वेट करना होता है नुमान का, लेट आते हैं तो फिर हम सहरी क्यों, टाइम बहुत कम रह जाते हैं, सोएं तो फिर उठा नहीं जाएगा, तो बस सहरी में रैंडमली आजकल चल रहा है। माशाल्लाह से माशाल्लाह देखते ही देखते कितने 18 रोज़े गुजर चुके हैं, माशाल्लाह 19 रोज़े, और ये मेरा पहली सहरी का मैंने वीडियो क्लिप शूट किया हुआ है जब मैंने जिस दिन मखनी हंडी बनाई थी, और फिर 18 दिन बीच में कोई वीडियो नहीं बनाई। बस आप देख लें दिन रात कैसे गुजर रहे हैं, और माशाल्लाह से रोज़े कितने खैर आफिया से और ठंडे गुजर गए हैं। लाहौर में तो माशाल्लाह से क्योंकि हर दूसरे दिन आंधी बारिश आ जाती है, और मतलब दोपहर में थोड़ी सी गर्मी लगती है, लेकिन अल्लाह मियाँ जो है ना रोज़े हमारे ठंडे ही गुजर रहे हैं। तो बहरहाल ये बड़े मज़े का टेस्टी सालन मैंने बनाया था, मखनी हांडी रेसिपी आप YouTube पे देख लीजिए, और देखते ही देखते पता भी नहीं चलना इंशाल्लाह ये 10 रोज़े भी गुजर जाने चुटकी बजाते में। अच्छा ऐसे होता है, ऐसे ही रमज़ान का इतना वेट होता है ना, रोज़े आ रहे हैं रोज़े आ रहे हैं, और माशाल्लाह से इतनी जल्दी गुजर जाते हैं कि पता भी नहीं लगता। सुबह शाम बस सहरी करो अफ्तारी करो सहरी करो अफ्तारी, और तरावियाँ और साथ ही ईद आ जाती है। अब बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं, बच्चों को माशाल्लाह इतनी खुशी है ईदी की क्योंकि उनके दादाबू से ऑलरेडी उन सारों को मिल चुकी है, और अभी वो और वेट में है कि मामा ईद कब आएगी, तो हमें ईदी और मिलनी है। लास्ट व्लॉग में भी एक मुझे कमेंट आया था कि आप ही आपने क्या चूज़े पाले हुए, आपके ना मेरी वीडियो में पीछे से चूज़ों की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, तो मैंने बताया भी था कि मेरे दोनों बच्चे जो है ना ये नानों के घर गए थे। आजकल आपको पता स्कूल ट्यूशन हर चीज़ से छुट्टी है, तो बच्चों का मेरे बच्चों ने ना यूट्यूब पर वीडियोज़ देखी चूज़ों की और मुर्गियों की, तो वहाँ से उनको कभी चूज़ों का कभी कबूतर का कभी किसी चीज़ का शौक हुआ हुआ है, तो ये नानों के घर जाके ज़बरदस्ती वहाँ से दो चूज़े ले आए थे। ये बहुत टिड्डे टिड्डे पिद्दे से थे माशाल्लाह, छोटे से थे, अब इतने ज़्यादा बड़े हो गए हैं, तो ये टेरेस की दीवार पे आके बैठे हुए थे और हमें ये डर लग रहा था यहाँ से ये नीचे ना गिर जाएँ, और अभी तो मैं इनकी केयर करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, और माशाल्लाह इनको प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है, तो मैंने वापस नानों के घर भिजवा दिए हैं कि मैंने कहा बच्चों बस मेरी दी एंड हो गई है। और ये रैंडम सा बस क्लिप है अफ्तारी का, और आप सब लोग भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा आप लोगों की सहरियाँ और अफ्तारियाँ माशाल्लाह से कैसी चल रही हैं। और यहाँ पर बच्चा पार्टी को चूंकि मस्जिद में जाने का बिल्कुल पाबंदी है, नहीं तो ये दोनों अपने चाचों और बाबा के साथ बड़े शौक से मस्जिद जाते थे लास्ट ईयर भी पहले भी, तो जब से ये प्रॉब्लम हुए हैं ड्रोना वाली तो क्वारंटीन की वजह से मस्जिद में तो बच्चों की एंट्री बिल्कुल भी बंद है, और इनके बाबा तो माशाल्लाह से तरावी पढ़ाते हैं तो वो तो ज़रूर जाते हैं, और वो वैसे अपने साथ पिछले साल भी नहीं लेकर जाते थे क्योंकि उन्होंने तरावी पढ़ानी होती है, और ये दोनों बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं मस्जिद में भी, फिर उन्हें वो डिस्टर्ब होते थे, तो फिर ये अपने चाचों के साथ ही जाते थे। तो इस दफ़ा बच्चों को इतना शौक लगा क्योंकि जब मगरिब के टाइम अफ्तारी के बाद बच्चों को नहीं लेकर गए, कोई बड़ा नहीं लेकर गया ना, तो इन्हें इतना गुस्सा सारे घर के बच्चों को आया हुआ था कि ये क्या हो गया हमारे साथ। तो मैंने इनको बोला कि कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आप लोग घर में पढ़ो, तो माशाल्लाह दोनों इतने शौक से टोपियाँ पहन के सजदे कर रहे थे। मैंने कहा आप लोगों ने ये बहुत ज़्यादा पढ़नी है, तरावियाँ 20 होती हैं, तो मैंने इनको काफ़ी देर तक लगा ही रखा, तो वो छोटा सा साथ उसके शरारते भी कर रहा, तो ये लोग फिर इन सारे बच्चों को यही बताया बस आप लोगों ने घर में मिलकर नमाज़ पढ़ लेनी है, मगरिब की भी ईशा की तरावियाँ भी, तो फिर बस किसी दिन पढ़ लेते हैं और कभी किसी दिन नहीं, और इनको आइडिया नहीं था, मैंने इनके पीछे कैमरा रखा हुआ था, और यहाँ पे जब इनको रियलाइज़ हुआ है तो इस नान ज़्यादा शोखा हो गया और ओवर हो रहा है और यहाँ पर आके शोखियाँ मार रहे हैं। अच्छा इन दोनों के बाल बहुत ज़्यादा मैंने लंबे कर लिए थे क्योंकि जब से स्कूल से छुट्टियाँ हुई थी मुझे ये था कि मैं ईद तक भी इनके बड़े ही रखूँगी, लेकिन रोज़ों के पहले अभी ये देख लें, अभी ये फर्स्ट रोज़ आई थिंक की क्लिप है
है। तो अब इनके कितनी ज़ोर से मारा है भाई भाई को, और भाई जो कंट्रोल माशाल्लाह से कर रहा है। तो इनके बाल यहाँ पे कितने ज़्यादा बड़े थे पहले दूसरे रोज़े तक। तो मुझे अब आने का मामा मुझे बहुत गर्मी तो हो गई है, बच्चे क्योंकि खेलते बहुत ज़्यादा हैं। तो फिर उसने मुझे कहा मामा मेरे से नहीं बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि गर्दन पर ना उसको चुभते थे बहुत ज़्यादा। फिर मैंने मानी को कहा यार बस दी एंड हो गया, इनको ना कटवाएं बाल दानों के, उनको ऊपर से डेली अगर वॉश ना करो तो वो ज़्यादा बॉम फट जाता था उनके अंदर। ऊपर से दोनों छोटे बच्चे हैं तो उनकी अपनी केयर मुश्किल है। अबान के तो हेयर सेट रहते हैं, सिनान का लास्ट ईयर से भी लास्ट जब छोटा था तो मैंने इसके बड़े किए थे, तो मैं इसके ना सारे पकड़ के पोनी करती थी, इतना प्यारा लगता था मुझे। कहीं पे वो वीडियो ये क्लिप्स मिलेंगी ना पिक्स, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन इस दफ़ा उसने कहा खबरदार मेरी किसी ने पोनी की, उसको इतना गुस्सा चढ़ता है, मैं लड़की नहीं हूँ मुझे पोनी नहीं करनी। फिर दूसरी ज़िद इसकी होती है कि भाई की भी पोनी करो, भाई की अब हो नहीं सकती। तो यहाँ पर माशाल्लाह मैंने बड़े को कहा चलो छोटे को सपारा भी पढ़ाओ, खुद वो बाबा पढ़ता है और छोटे को वो पढ़ा रहा था। तो मैंने इसका क्लिप शेयर किया है। नहीं आई पूरी पढ़ा दो, आई गई रखे बस अल्लाह के करम से रोज़े जो हैं ऐसे ही गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला आप सब के भी खैर आफ़ियत से रोज़े गुजारें और सबकी मुश्किलें परेशानियों को दूर करें और अपनी रहमत खासा जो है हमारे पे नाजिल करें। माशाल्लाह से आखिरी अशरा जो है शुरू होने वाला है। मैं यहाँ पर मानी के तौर से कपड़े प्रेस कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने जाना है अभी नमाज़ पढ़ाने के लिए तरावी की। और हाँ जी जनाब, लास्ट वीडियो में जिसमें आप लोगों को मैंने बोला था कि आप नुमान को भले मेरे से बाल कटिंग करवा लें, मुझे बड़े अच्छे सारे कमेंट्स आए थे, तो मैंने वो सारे स्क्रीनशॉट लिए हैं। इंशाल्लाह मैं और नुमान मिलके उनका रिप्लाई करेंगे। और मान अभी तक बिल्कुल नहीं माने मेरे से कटिंग करवाने पर, लेकिन थोड़े से रजामंद हो गए हैं कि मैं अब करवा लेता हूँ, ईद अभी आने वाली है। तो मैंने कहा चलो मेरे से नहीं नाई से ही करवा लो यार, गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि गर्दन पे इतने ज़्यादा इरिटेट करते हैं। मैंने कहा मुझे तो समझ नहीं आती आपको कैसे कुछ इशू नहीं होता बालों से, अच्छे तो बहुत ज़्यादा लगते हैं, बच्चों के भी इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, लेकिन मैंने उनकी गर्मी की नज़र उनको उनकी परेशानी की देखते हुए मैंने तो फ़ौरन कटवा दी। हालाँकि मुझे सारों से ज़्यादा शौक होता है कि मैंने नहीं उनके कटवाने थे, लेकिन मैंने फ़ौरन से उनके कटवा दिए। कि बच्चों ने मुझे एक दफ़ा शिकायत की मामा बहुत गर्मी लगती है, मैंने कहा ना भाई चलो बाबा के साथ आगे लगो और फ़ौरन कटवा के आओ। और जनाब ईद की शॉपिंग कैसी चल रही है, ईद की शॉपिंग क्या करनी है? क्वारंटीन सॉरी लॉकडाउन जो है थोड़ा सा तो खुल गया है, थोड़ी थोड़ी मार्केट भी ओपन है, बस आप ध्यान से जाइए और थोड़ी बहुत जितनी आपको ज़रूरत की करनी है शॉपिंग वो करके आप लोग घर आ जाएं। बाहर ज़्यादा वेलियां और फरोंतलियां मारने की कोई ज़रूरत नहीं है बाज़ार में इधर उधर फिरने की। और अल्लाह का शुक्र है मेरी तो 2 माह पहले ही हो गई थी, मैंने तो वैसे समर के लिहाज से की थी, लेकिन खैर वो अब ईद के लिए भी वही चलानी पड़ेगी क्योंकि कोई गल नहीं, किसी ईद पर अगर नहीं करेंगे नहीं बाहर जाएंगे, चांद रात नहीं मनाएंगे तो ईद भी हो जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी यम्मी यम्मी मैकरोनीज, उसका मैं छोटा सा वैसे क्लिप शेयर कर रही हूँ, बहुत ही टेस्टी बनी थी, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन जाते हैं। अच्छा मैंने बस एक व्लॉग और शेयर करूँगी जिसमें मैं बच्चों के कपड़े जो है नुमान ले आए थे, उनकी शलवारें कमीज़ें मैंने कहा होनी ज़रूरी है। खैर नानों ने भी उनकी दो दो जो है सीने के लिए दी हुई हैं, वो भी मिल जाएंगी जल्दी से। और ये लॉकडाउन जो अल्लाह जी प्लीज़ पक्का पक्का ही खुल जाए, पता नहीं सुनने में ऐसे ही आ रहा है कि ईद के बाद इन्होंने फिर कहीं दोबारा से लॉकडाउन कर देना है, अल्लाह खैर ही करे मैं कहती हूँ। तो बस ऐसे रैंडम से व्लॉग मैं और आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, रोज़े इंजॉय कीजिएगा, व्लॉग पसंद आए ना आए लाइक कर देना, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना, वीडियो को नहीं सॉरी मेरे चैनल को। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। जितने वालदैन शिकायत करते हैं ना कि मेरा बच्चा यूँ करता है मेरा बच्चा यूँ नहीं करता, उसको सियासी जिम्मेदारी नहीं है, उसको माँ का कोई एहसास नहीं है, वो छोटी बहन को थप्पड़ मारता है पढ़ता नहीं है, उन सब की बुनियादें हमने 7 साल की उम्र में रख दी, क्योंकि 7 ईयर्स तक आपका बच्चा जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग मशीन होता है, उसका अपना कॉन्शियस माइंड नहीं होता अभी, और वो रिकॉर्ड क्या कर रहा होता है, पैटर्न रिकॉर्ड कर रहा होता है।
चीजों को बॉडी में लेबल, अपने दिमाग में लेबल करा होता है, सही क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। अगर आपका बच्चा हो या कोई गैर हो, आपका और उसके दरमियान मान का रिलेशनशिप हो गया ना, क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश हो गई, फिर आप उसकी कॉन्शियस की विंडो में जा सकती हैं। लेकिन अगर आपको सॉरी नसीब, बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम उसे सच बोला करो, लेकिन जिस दिन वो सच बोल के आ गया उस दिन उसको थप्पड़ पड़ना है। अब आप उसका ट्रस्ट ही डेवलप नहीं होगा आपसे, मजबूरी है उसकी कि